चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर नशा रोकथाम, नशा तस्करी की धरपकड़ के लिए उठाए गए कदम और नशे के खिलाफ समाज को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे को उखाड़ फेंकने के लिए सभी राज्यों की जांच एजेंसियों और सरकारों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई उत्तरी राज्यों की बैठक में नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर ठोस रणनीति बनाने को लेकर मंथन हुआ। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन में कहा कि नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है। खासकर युवा वर्ग के साथ बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशाखोरी की समस्या से देश के सभी राज्य जूझ रहे हैं। ऐसे में नशे के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि हरियाणा में हर महीने एनडीपीएस एक्ट के 200 से ज्यादा केस दर्ज होते हैं। 30 जून तक एनडीपीएस के तहत 1913 मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे, जिनमें कुल 2661 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जून 2022 तक 253 ड्रग्स तस्करों की करीब 32 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई। वहीं 13 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। नशे की जद में आ चुके युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति वार्ड खोले गए हैं। हर जिला सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 13 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जा चुके हैं। जहां नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, उन सभी जिलों के सिविल अस्पतालों में मनोचिकित्सक नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नशे के आदि व्यक्तियों की पहचान, इलाज और आर्थिक पुनर्वास के लिए हरियाणा राज्य मादक पदार्थ रोकथाम समिति का गठन कर रहे हैं। ये समिति नशे की वजह से होने वाले सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नशे के खिलाफ जारी लड़ाई में मॉडर्न तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रग्स के हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके सुनियोजित तरीके से ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। नशे के आदि लोगों के आंकड़े जुटाने के लिए प्रयास नाम के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में स्टेट एक्शन प्लान को लागू किया जा चुका है। सिंथेटिक ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक के लिए साथी नाम के मोबाइल ऐप के जरिए नशीली दवा की बिक्री पर नजर रखी जा रही है। सोनीपत में स्टेट एक्शन प्लान के तहत निगरानी के लिए साथी ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया गया है। इससे नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए धाकड़ कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में इसे लागू किया जा रहा है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की तरफ से तैयार धाकड़ कार्यक्रम का मकसद राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को नशे के नुकसान से अवगत करवाना और उसके खिलाफ जागरूकता लाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इंटरस्टेट ड्रग तस्कर गिरोह से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ तालमेल बनाए हुए है, जिससे ड्रग्स तस्करों के हौसले पस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग के लिए पंचकुला में अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग्स सचिवालय की स्थापना की गई है, जहां उत्तरी भारत के 8 राज्य ड्रग्स तस्करी के बारे में सूचना इकट्ठा कर साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 18 विभाग नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।